नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जिला उमरिया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया था, जहां अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। वहीं पुलिस द्वारा इंद्वारा थाना अंतर्गत अमरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के गाँव सलैया में 11 ओवरलोड वाहनों को मौके से जब्त किया गया है। एवं जब्त किए गए वाहन ग्राम सलैया सुखदास में रेत के भंडार से ओवरलोड तरीके से रेत लेकर जिला कटनी एवं जिला सतना के तरफ जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस चेकिंग में 11 वाहनों को जब्त करते हुए उन पर कार्रवाई की है। वहीं जिला मुख्यालय पुलिस ने भी अन्य वाहनों पर कार्रवाई की है। गौरतलब है कि जिले में खनन माफिया बड़े संख्या में सक्रिय हैं। नदी नाले एवं खदानों से रेत का उत्खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिले में खनन माफियाओं के वाहन रोड पर ओवरलोड किए हुए तेज गति से दौड़ रहे हैं, जिसके कारण सड़क खराब हो जा रहे हैं और जिले में अनेकों बार एक्सीडेंट की घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रेत माफियाओं के गुर्गे हथियार लेस गांव में घुसते हुए नजर आते हैं एवं फायरिंग करने की वारदात भी सामने आई है। वहीं स्थानीय लोग एवं समाज सेवी ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से कुछ संबंधित व्यक्तियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़वार के पास जो खदाने हैं, जहां पे की रेत निकलती है, वहां पे उमरिया जिले के अलावा अन्य जिले के जो रेत माफिया वो सक्रिय है। इस बात की समय समय पे शिकायत मिलती रही, वहां के ग्रामवासियों ने शिकायत की, वहां के सरपंचों ने भी शिकायत की है और उस शिकायत के आधार पर उमरिया कलेक्ट्रेट से संयुक्त टीम बनाकर छापामारी कार्रवाई की गई है और जो माइनिंग के नियमों के विरुद्ध रेत का जो परिवहन कर रहे थे, संग्रहण कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है, मध्य प्रदेश शासन की और जो खनिज अधिनियम में तथ्य हैं, उनके अनुसार ये कार्रवाई है। निश्चित रूप से जो रेत माफिया हैं उनमें दंड व्याप्त होगा और जो अवैध रूप से उत्खनन होता था उसमें प्रतिबंध लगेगा। बताया गया है ग्रामीणों के द्वारा कि वहां पे जो भूमाफिया है, दूसरे जिले के लोग हैं, वो लोगों को आतंकित करने के लिए हथियार लेके लामबंद होके रेत का उत्खनन करते हैं, जो कि गंभीर बात है। हम पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो बंदूक और हथियार लेके वहां के लोगों को आतंकित करके रेत खनन करते हैं, उमरिया जिले का रेत बाहर ले जाके बेचते हैं, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ समय से रेत के अवैध परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाकर कल भेजी गई थी, जिसमें 11 ट्रकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 70,000 समन्स की वसूली की गई है और इसको खनिज विभाग को दिया जा रहा है, जो वो आगे कार्रवाई करेगा। उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।